नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस टॉक्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे देशों के बारे में जिनमें अग्निपथ जैसी स्कीम पहले से चलाई जा रही है। साथ ही हम जानेंगे इन देशों में सोल्जर्स को कितने साल के लिए भर्ती किया जाता है तथा इन जवानों को क्या-क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में भारत सरकार ने सैनिकों के भर्ती संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ नाम की स्कीम लागू की है। हालांकि सेना में अग्निपथ योजना लागू करने के बाद से ही सरकार की खूब आलोचना भी हो रही है और देश भर में विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। युवाओं को समझाने के लिए सरकार ने एक अनौपचारिक फैक्टशीट भी जारी की है और कहा है कि इस तरह की योजना कई देशों में पहले से भी लागू है और इसका कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा गया है कि टीओडी को वापस नहीं लिया जाएगा तथा आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट अग्निपथ स्कीम से ही की जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत एक सैनिक 4 साल तक सर्विस दे पाएगा और इसके बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में भर्ती किया जाएगा। यह सब उनकी 4 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। इसमें भर्ती होने की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल तक होगी। पहले 1 साल के लिए आयु में 2 वर्ष की छूट देते हुए अधिकतम आयु को 23 वर्ष किया गया है। साथ ही 4 साल पूरा करने पर अग्निवीरों को लगभग 12 लाख रुपए भी एकमुश्त दिए जाएंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। अब बात करते हैं उन देशों की जो कि पहले से ही इस तरह की योजना लागू कर चुके हैं। आइए जानते हैं वे कौन से देश हैं और वहाँ के नियम क्या हैं। साथियों, आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं उन देशों की जो कि पहले से ही इस तरह की योजना लागू कर चुके हैं। आइए जानते हैं वे कौन से देश हैं और वहाँ के नियम क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के पास 14 लाख सैनिकों की फौज है और यहाँ की भर्तियाँ वॉलंटियर बेस पर होती हैं। ज़्यादातर सैनिक 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो सैनिकों को 4 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया जाता है। यह सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल सेवा देते हैं तो उन्हें पेंशन और अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर हो जाते हैं उन्हें भत्ता दिया जाता है। साथियों, चीन भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनमें सैनिकों की भर्ती कम समय के लिए की जाती है। चीन में अनिवार्य रूप से सैनिकों की भर्ती की जाती है। हर साल यहाँ 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती किया जाता है। चीन में युवा आबादी ज़्यादा है, इसलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयारी करते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वालों को 2 साल सर्विस का मौका दिया जाता है, जिसमें से 40 दिन ट्रेनिंग दी जाती है। चयन नियमों के आधार पर इनमें से बहुत सारे सैनिकों को फुल सर्विस में भी रख लिया जाता है। 2 साल सेवा देने वाले सैनिकों को छूट पर लोन भी दिया जाता है, जिसमें वे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसके अलावा उन्हें टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। इसके लिए भर्ती के कई मॉडल प्रचलन में हैं। 1 साल के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रिन्यू भी किए जाते हैं। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और जो सैनिक 19 साल तक सेवा देते हैं सिर्फ उन्हें ही पेंशन का लाभ मिलता है। बाकी 5 साल में रिटायर होने वाले सैनिकों को पेंशन नहीं दी जाती है। अगर बात करें रूस की, तो रूस में भर्ती के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल होता है। इसके आधार पर आर्म फोर्सेज में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके तहत 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सर्विस का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में रखा जाता है। इन्हीं लोगों में से परमानेंट सैनिकों की भर्ती भी की जाती है। इन सैनिकों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन में भी छूट दी जाती है और सैन्य संस्थानों में भी पढ़ाई का अवसर दिया जाता है, जिससे ये सैनिक अन्य संस्थानों में अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाते हैं। और अंत में बात करते हैं इसराइल के बारे में। तो आपको बता दें, इसराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसमें सभी को सेना में सेवा देना जरूरी होता है। पुरुषों को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवा देनी अनिवार्य होती है। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रख लिया जाता है और कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से 10% को सेना में भर्ती कर लिया जाता है और 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसराइल में कम से कम 12 साल की सर्विस करने के बाद ही कोई सैनिक पेंशन के योग्य हो पाता है। तो साथियों, ये थी कुछ कंट्रीज जिनमें भारत की टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ जैसी स्कीम पहले से लागू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिफेंस टॉक्स को। धन्यवाद।